दोस्तों, इस वीडियो में आपको नॉर्मल ड्रॉपडाउन लिस्ट के साथ साथ में सर्चेबल ड्रॉपडाउन लिस्ट सिखाने वाला हूँ, जो भी मल्टीपल सेल के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो सीट है, एक सीट के अंदर पार्टीज के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी सीट के अंदर ड्रॉपडाउन लिस्ट बनाई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ड्रॉपडाउन लिस्ट में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉर्नर में जो ड्रॉपडाउन का एरो है उसमें मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद जो कंपनी मुझे सेलेक्ट करनी होती है उसके लिए मुझे नीचे आके, जैसे मुझे हीरालाल सेलेक्ट करनी तो मुझे नीचे हीरालाल पे आना पड़ा और मुझे यहाँ पे एंटर प्रेस करना पड़ा, तब जाके वो कंपनी मेरी सेलेक्ट होती है। इसी तरह से मुझे दूसरी कंपनी को सेलेक्ट करनी है तो मुझे यहाँ पे नीचे आना पड़ रहा है और यहाँ पे मुझे कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ रही है इस तरह से। ठीक है, अभी जो मैं सर्चेबल ड्रॉपडाउन लिस्ट जो आपको बताने वाला हूँ, उसके अंदर उस कंपनी के कुछ कीवर्ड्स आप लिखेंगे और आपको यहाँ पे सर्च लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको एचआई लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ऐसे लिखे हुए ड्रॉप डाउन जाओ तो यहाँ पे एच आई से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है वो सामने आ गई और आप इजीली इसको सेलेक्ट कर पाएंगे इस तरह से। अब सपोज करो मुझे यहाँ पे एमओ की वर्ड से मुझे कोई कंपनी चाहिए, तो वहां पे देखो खाली एमओ के की वर्ड की वाली कंपनी आपको सामने आके डिस्प्ले हो रही है। इस तरह से आप सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट, वो भी मल्टीपल सेल में, आप यूज कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने के लिए जो फंक्शन मैंने यूज किए हैं उसकी लिस्ट इस तरह से है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहले तो मैं आपको नॉर्मल ड्रॉपडाउन लिस्ट कैसे बनाते सिखा देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे जो सिलेक्शन है उसको सेलेक्ट करना है, आपको डेटा में जाना है, डेटा विलेज में जाना है और यहाँ पे आपको लिस्ट करना है और यहाँ पे सोर्स जो आपको देना है शीट टू में जाके ये जो कंपनी का लिस्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एयर में जाके आपको यहाँ पे टिक हटाना है, ओके करना है। इस तरह से आपकी ये नॉर्मल ड्रॉपडाउन लिस्ट तैयार हो जाती है। अब मैं आपको सर्चेबल ड्रॉपडाउन लिस्ट सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कीवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे एक एक कीवर्ड डाल दिया। अब मैं शीट टू में जाता हूँ और मैं फॉर्मूला लगाने चालू करता हूँ। तो सबसे पहले सर्च फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू search सर्च ब्रैकेट ओपन। वो जो अपने कीवर्ड टाइप किए थे वहां पे जाके आपको सेल का एड्रेस डाल देना है, कॉमा करना है, वापस शीट टू में आना है। शीट टू में आके ये हटा देते हैं पहले और उसको पहले फिक्स कर देते हैं, F4 करके फिक्स कर दिया, कॉमा लगाया मैंने। अब यहाँ पे जो मुझे C2 है वो मुझे लेना है, C2 मैंने C2 के अंदर मुझे सर्च करना था, मैं C2 लिया, ब्रेकेट ओवर किया, बंद कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे रिजल्ट आ गया है कि यहाँ पे एक के जो लिखा हुआ है वो पहले नंबर पे आ रहा है। अब मैं इसको पूरे में कॉपी कर देता हूँ तो यहाँ पे एक के कहीं भी नहीं आते, यहाँ पे इसने वैल्यू दे दी है। और जहां भी एक के आ रहा है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक के, तो यहाँ पे एक के यहाँ पे 8 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पे एक आ रहा है, जिसने 8 नंबर दे दिया। यहाँ पे 4 नंबर पे एक ही आ रहा है। अब जिसमें एक ही आ रहा है उसको आपने इसने नंबर दे दिया, राइट, और बाकी को उसने वैल्यू कर दिया। तो अभी इसको आपको वैल्यू को हटाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके सर्च के पहले आप लिखेंगे इज नंबर। अगर नंबर है तो ये आपको रिजल्ट देगा, ट्रू कहेगा, अदरवाइज इसको फॉल्स कहेगा। तो मैंने यहाँ पे इज नंबर देके इसको ओवर कर दिया, यहाँ पे इज नंबर है तो ट्रू दे रहा, मैंने सभी जगह पे कॉपी कर दिया। अब अगर नंबर है तो ट्रू और नंबर नहीं है तो फॉल्स। अब अगर यहाँ पे नंबर ट्रू है तो उसको अपने मेरे को रिफंड करना है, और अगर नंबर नहीं है फॉल्स है तो उसको मुझे जीरो करना है। तो इसके लिए मैं इफ फंक्शन यूज करूंगा, इफ ब्रेकेट ओपन लास्ट में आया कोमा 1, अगर ट्रू है तो 1 और ट्रू नहीं है तो कोमा 0। इस तरह से मैंने ये फंक्शन डाला। अगर यहाँ पे ट्रू है तो 1 बताएगा और ट्रू नहीं है तो उसको 0 बताएगा। अब यहाँ पे जहां जहां भी एक नंबर लिखा है उसको यहाँ पे नंबरिंग करेंगे इस तरह से, इक्वल टू इफ दिस इक्वल टू 1 देन सम करना है, किसका सम करना है, यहां से लेके यहां तक का, अदरवाइज ब्लिंक करना है तो ब्लिंक कर देंगे यहाँ पे ब्रैकेट ओवर, और इसको B1 को फिक्स कर देते हैं F4 करके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 निकल गया और यहाँ पे 2 आ गया है और यहाँ पे 3
3 आ गया है, यहाँ पे 4 आ गया, जहां जहां भी नंबर लिखा हो एक से लेके असेंडिंग ऑर्डर में। अब मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट करवाना है जो कि मैं रो फंक्शन से जनरेट कराऊंगा, इक्वल टू आर ओ डब्ल्यू रो। रो क्या करेगा कि यहाँ पे जो रो जिस नंबर पे यहाँ पे रो आ रही है उसका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। जैसे कि ये 2 नंबर की रो है तो यहाँ पे इसने 2 नंबर लाके डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। जितने जो रो नंबर पे वो आ रहा है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब मुझे यहाँ पे 1 नंबर चाहिए तो इसको मैं -1 कर देता हूँ, -1। तो यहाँ पे जो मेरा सीरियल नंबर है एक से लेके एंड तक वो यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया है। अब हम यहाँ पे वी लुकअप यूज करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर जो लुकअप वैल्यू लेनी है वो यहाँ पे एफ वाली लेनी है, तो एफ वाली लेने के लिए अपने को यहाँ पे मैं रो फंक्शन यूज करूंगा जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, रो ब्रैकेट -1 कोमा। अब आपको टेबल एरे चाहिए, ये टेबल एरे में ए से लेके सी तक की सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर ली कोमा। अब यहाँ पे कंपनी का नाम 1 2 3 3 कॉलम इंडेक्स पे आ रहा था, मैंने यहाँ पे 3 प्रेस किया कोमा, एग्जिट मैच के लिए 0 ब्रैकेट ओवर। इसको मैं पूरे में कॉपी कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं जिस कंपनी का नाम ए से चालू हो रहा है या फिर जिस कंपनी में एक के कीवर्ड आ रहा है वो यहाँ पे आके शुरू में डिस्प्ले हो गई है। अब जो यहाँ पे जो एन ए जो लिख के आ गया है इसको हटाने के लिए यहाँ पे सिंपल इफ एरर यूज करेंगे, इफ एरर ब्रैकेट ओपन कोमा। एरर है तो यहाँ पे डबल कोट मैंने कर दिया, ब्लैंक कर देगा, और एरर नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू लाके दे देगा। तो मैं भी मैं इसको सब में कॉपी करता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर वैल्यू है तो इसने लाके दे दी, अदरवाइज यहाँ पे इसने ब्लैंक कर दिया है। अब आप देख रहे हैं जैसे एक एक कीवर्ड मैंने दिया तो यहाँ पे 5 कंपनी आई है। सपोज करो मैं यहाँ पे कीवर्ड बदल के यहाँ पे एमओ कर देता हूँ, तो ये भी देखते हैं कितनी कंपनी यहाँ पे आती है। एमओ करते मेरे पास 2 कंपनी सामने आई है। सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, HI कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे सामने कितनी कंपनी आती है, यहाँ पे मान लो 6 कंपनी मेरे पास में आई। तो ये कंपनियां हर कीवर्ड के साथ में बदलती रहेगी, तो मुझे ये जानना कि यहाँ पे जो कंपनी है वो कितनी है ना, तो वो जानने के लिए मैं यहाँ पे काउंट इफ यूज करूंगा। काउंट भी इस तरह से यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ। जो रेंज देनी वो रेंज सेलेक्ट करनी रहेगी अपने को, ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली है। अब इस रेंज के अंदर क्या ढूंढना, इस रेंज को पहले फिक्स कर देते हैं फंक्शन फोर करके। इसमें क्या ढूंढना है अपने को, इसमें ढूंढना है अपने को कि अगर जिसमें भी टेक्स्ट है तो वो अपने को काउंट करे, अदरवाइज नहीं करे। तो उसके लिए करेंगे अपने क्वेश्चन मार्क स्टार देन कोट ओवर ब्रैकेट ओवर। तो इसमें ये क्या करेगा, जिसमें अगर जिस सेल में अगर ये टेक्स्ट है तो काउंट करेगा, अदरवाइज इसको छोड़ देगा। अभी मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे अगेन एमओ करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे काउंट होके 2 नंबर काउंट होके आ गया, क्योंकि कंपनी 2 ही यहाँ पे अवेलेबल है। अब ऑफसेट फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू ऑफसेट ब्रैकेट ओपन, ये रेंज सेलेक्ट करनी है और इसको फिक्स कर देनी है F4 करके कोमा कोमा कोमा, क्योंकि अपने को रो कॉलम नहीं देना, नहीं उसकी हाइट देनी है। हाइट के लिए अपन काउंट इफ करेंगे, ये रेंज सेलेक्ट कर दिए, इसको फिक्स कर देते हैं कोमा, वही जो अपने किया था पहले क्वेश्चन मार्क स्टार कोट ओवर कोमा कोमा। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और अपन फॉर्मूला बार में जाके इसको नाम देंगे। मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया, ये फॉर्मूला में जाएंगे, इसका नेम मैनेजर में जाके इसको नाम दे देंगे। जैसे कि इसका नाम मुझे देना है एस लिस्ट, और यहां पे लाके इसको फॉर्मूला को पेस्ट कर देना है, ओके कर देना है, क्लोज कर देना है। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला तैयार।
अब आपको जहां पे जो ड्रॉपडाउन लिस्ट बनानी है वहां पे आपको जाना है। यहां पे मुझे ड्रॉपडाउन लिस्ट बनानी है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा वैल्यूएशन में गए, डेटा वैल्यूएशन के अंदर आपने यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे आपको करना है लिस्ट। वो लिस्ट में आपके सोर्स में आके आपको F3 करके आपको यहाँ पे जो अपने एस लिस्ट बनाई थी उसको सिलेक्ट करके इसको ओके करना है। साथ में ए अलर्ट अलर्ट में जाना है और यहाँ पे अलर्ट यहाँ पे हटा देना है, ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जैसे यहाँ पे एच आई लिखेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो एच आई नाम की कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट होके आ रही है। अब सपोज करो यहाँ पे आप कुछ दूसरा लिखते हैं, RAM लिखते हैं, तो RAM नाम की कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट होके आएगी जिसमें राम आ रहा होगा, है ना, बाकी सारी कंपनियां नहीं आएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे MO लिखेंगे तो MO नाम की कंपनी यहाँ पे आपको सामने डिस्प्ले करेगी। पर अभी आप यहाँ पे MO लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप HI लिखेंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे HI की कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं आएगी। अब इसके लिए पहले तो सीट में जाके यहाँ पे जो हमने सीट वन का जो B3 जो है कीवर्ड जो यहाँ पे अपन लिखवाया था उसके बदले अपन यहाँ पे लिखेंगे CELL सेल, और सेल का जो कंटेंट यहाँ पे लाएंगे अपन तो सेल का कंटेंट यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे सेल कंटेंट्स, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं और जो यहाँ पे सेल का जो कंटेंट है यहाँ पे सेल फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी वहां पे अपन यहाँ से जो लेके आते सीट से वो अपने सेल से यहाँ पे उसको रिप्लेस करवा दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे HI लिखूंगा और आप देखें यहाँ पे HI की कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट होके आ गई है, मीन जो सेलेक्ट जो सेल सेलेक्ट होगा उस हिसाब से यहाँ पे कंपनी फिल्टर होके आ जाएगी। यहाँ मैंने ब्लैंक कर दिया तो यहाँ पे ब्लैंक के हिसाब सारी कंपनी आ जाएगी। इस तरह से ये उस लास्ट सेल से यहाँ पे कंपनी आ रही है। अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट दूसरी सीट में है और अपना डेटा दूसरी सीट में है, इसीलिए अपने एक छोटा सा VBA का कोड लिखना रहेगा। तो इस तरह से लिखने में आपको बता रहा हूँ। सीट टू पे जाके आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद में आपको व्यू कोड में जाना है, यहाँ पर जनरल को हटा के यहाँ पे वर्कशीट करना है और यहाँ पे सिंपल सा आपको ALPLICATION एप्लीकेशन डॉट कैलकुलेट आपको करना है, CALCULAT कैलकुलेट ये टाइप करके आपको छोड़ देना है। सेम चीज यहाँ पे आपको सीट वन में जाके करनी है, राइट क्लिक करके व्यू कोड करना है, जनरल कोटा के यहाँ पर वर्कशीट करनी है, ALPLICATION एप्लीकेशन डॉट CALCULAT कैलकुलेट करना है और इसको बंद कर देना है। अब आपको जहाँ आपको ड्रॉपडाउन लिस्ट लगानी है वो सेलेक्ट करके डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन करना है और यहाँ पे आपको F3 करके एस लिस्ट वाला उम्र लेके आ जाना है, ओके करना है, ओके करना है। अब आपके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप MO लिख रहे हैं तो MO नाम की कंपनी आ रही है, यहाँ पे आप RA लिख रहे हैं तो RA नाम की कंपनी आ रही है, यहाँ पे आप HI लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपकी HI नाम की कंपनी आ रही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।